वेलकम टी एस पी एच ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं सतीश कुमार प्रोकर फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। आज हम आप लोगों के लिए एक नया इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, मैग्नेटिक डिप, चुंबकीय झुकाव क्या होता है। यस, किसी मैग्नेट नीडिल को केंद्र से निलंबित किया जाए तो वह नीडिल क्षैतिज नहीं रहती बल्कि भूमि के चुंबकीय प्रभाव के कारण इसका एक सिरा ध्रुव की तरफ नीचे झुक जाता है। नीडिल का क्षैतिज से यह झुकाव सूचिका का नमन कहलाता है। मतलब कोई अगर नीडिल है जो मैग्नेटाइट किया गया है, अगर उसे केंद्र से निलंबित छोड़ दिया जाए तो उसका एक सिरा क्या होता है, पृथ्वी की ओर झुक जाती है। ठीक है, वही क्या होता है, नीडिल का झुकाव होता है, नमन कहलाता है। ठीक है, अतः यह चुंबकीय सूचिका का पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव के कारण क्षैतिज से झुकाव क्या होता है, नमन कहलाता है। ठीक है, मतलब संतुलित सूचिका जो होती है वो पृथ्वी के प्रभाव के कारण चुंबकीय प्रभाव द्वारा क्षैतिज झुक जाता है, वही क्या होता है, नमन कहलाता है। क्षैतिज से सूचिका की दिशा का झुकाव एंगल ऑफ डिप कहलाता है। जो सुई सूचिका होता है पृथ्वी के बीच का जो झुकाव होता है वो क्या होता है, एंगल होता है, एंगल ऑफ डिप मतलब दिशा का झुकाव कितना हुआ है। ओके, चलिए मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या होता है, चुंबकीय दिक्पात। ठीक है, किसी स्थान पर भौगोलिक व चुंबकीय अमोत्तर के बीच के क्षैतिज कोण को चुंबकीय दिक्पात कहलाता है। ठीक है, अगर जो भौगोलिक अमोत्तर होता है वो ट्रू मेरिडियन होता है, ट्रू मेरिडियन मतलब नॉर्थ साउथ। ठीक है, ये हमारा ट्रू मेरिडियन बन, ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है। ठीक है, चलिए ये हमारा, देखिए ये हमारा अल्फा ई है ना, ईस्ट की ओर झुकाव है। ठीक है, ये ईस्ट डिक्लाइनेशन है, इधर हमारा वेस्ट है, इधर वेस्ट डिक्लाइनेशन होता है। ठीक है, ईस्ट की तरफ ईस्ट डिक्लाइनेशन होता है, वेस्ट की तरफ वेस्ट डिक्लाइनेशन होता है। ठीक है, डिक्लाइनेशन होता है। चलिए ईस्ट डिक्लाइनेशन क्या होता है, यदि चुंबकीय अमोत्तर मैग्नेटिक मेरेडियन अर्थात अमोत्तर ट्रू मेरेडियन से दाई ओर अर्थात पूर्व की ओर होता है तो डिक्लाइनेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है तथा ईस्ट डिक्लाइनेशन कराता है। जब हमारा ट्रू मेरेडियन के दाएं तरफ रहेगा, ईस्ट की तरफ रहेगा तो हमारा क्या होगा, ट्रू मेरेडियन है अगर हमारा ईस्ट तरफ है तो ईस्ट डिक्लाइनेशन होगा, और ईस्ट डिक्लाइनेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर यही हमारा वेस्ट की तरफ रहेगा तो वहाँ पे हमारा ट्रू मेरिडियन की वेस्ट तरफ रहेगा तो हमारा वेस्ट डिक्लाइनेशन होगा और ये हमेशा निगेटिव रहता है। ठीक है, यहाँ देखिए, यदि मैग्नेटिक मेरिडियन ट्रू मेरिडियन के बाईं ओर हो तो अर्थात पश्चिम की ओर हो तो यह डिक्लाइनेशन माइनस निगेटिव होगा तथा वेस्ट डिक्लाइनेशन कहलाएगा। ठीक है, अगर हम वेस्ट की तरफ आएगा तो वेस्ट डिक्लाइनेशन रहेगा, वेस्ट में हमेशा माइनस होता है, ईस्ट की तरफ आए तो ईस्ट डिक्लाइनेशन होता है, ईस्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ट्रू बियरिंग, ठीक है, ट्रू बियरिंग को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला दिया, ट्रू बियरिंग बराबर होता है मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लाइनेशन। ठीक है, अगर ईस्ट की तरफ आएगा प्लस होगा, वेस्ट की तरफ आएगा तो माइनस होगा। ठीक है, फॉर ईस्ट डिक्लाइनेशन पॉजिटिव साइन इज यूज, फॉर वेस्ट डिक्लाइनेशन निगेटिव साइन इज यूज। जैसे हम पहले बताए थे, वेस्ट रहेगा तो निगेटिव का, ईस्ट रहेगा तो पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। ठीक है, यह नियम केवल डब्ल्यू सी बी के लिए मान्य है। ठीक है, आर बी के लिए गणनाएं चित्र बनाकर ही करनी चाहिए। ठीक है, आर बी हमारा रहेगा तो हमारा साइन दिया रहेगा तो हम डेफिनेटली हम फिगर में करेंगे। ठीक है, और यह डब्ल्यू सी में रहेगा तो हम ऐसे ही इस फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं।
वैसे जो हम बताएंगे दोनों माध्यम से बताएंगे, ठीक है, फिगर और ऐसे जनरेट दोनों माध्यम से बताएंगे, ठीक है। चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। किसी रेखा का मैग्नेटिक बेयरिंग 36 30 मिनट है, यदि दिक्पात का मान 6 15 मिनट ईस्ट है तो ट्रू बेयरिंग ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे सीधा क्लियर बता रहा है, ठीक है, क्लियर है। देखिए यहाँ मैग्नेटिक बेयरिंग कितना है, 36 30 मिनट है, और दिक्पात कितना है। अच्छा दिक्पात और दिक्मान में अंतर होता है, दिक्मान हमारा बेयरिंग होता है, दिक्पात हमारा डिक्लाइनेशन होता है, ठीक है। चलिए टू बियरिंग हम इससे फाइंड कर सकते हैं, टू बियरिंग बराबर या टू बियरिंग क्या होगा, मैंने मैग्नेटिक बियरिंग कितना दिया 36 30 मिनट, यहाँ ईस्ट है तो ईस्ट मतलब प्लस होगा, और 6 15 मिनट इसको हम जोड़ लेंगे तो 15 30 कितना होगा 45 मिनट, और 36 42 42 15 मिनट, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ये हमारा ट्रू बियरिंग, ठीक है। चलिए हम फिगर के माध्यम से इसको देख लेते हैं, ठीक है, ये हमारा ट्रू मेरिडियन हो गया, ठीक है, ट्रू मेरिडियन होगा। अब ट्रू मेरिडियन से हमारा देखिए, यदि दिक्पात का मान 6 15 मिनट ईस्ट है, दिक्पात हमारा क्या होता है, हमेशा ट्रू मेरिडियन से लिया जाता है, दिक्पात कितना हुआ, दिक्पात हमारा यहाँ हो गया, ठीक है, कितना हो गया 6 अंश, हमेशा पहले हम दिक्पात देखेंगे, ईस्ट है, ईस्ट है तो इस तरफ करेंगे, और वेस्ट है तो इस तरफ करेंगे, ठीक है, ये हमारा दिक्पात हो गया, ठीक है, डिक्लाइनेशन कितना हो मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, 6 15 मिनट हो गया, ईस्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक बियरिंग कितना हुआ, ठीक है, मैग्नेटिक बियरिंग देखिए, हमारा मैग्नेटिक बियरिंग जो होता है मैग्नेटिक मेरिडियन से जो बना हो कोण होता है हमारा मैग्नेटिक बियरिंग होता है, ये हमारा कोण बी हो गया, ठीक है, ये ए हो गया, ठीक है। अब इनके बीच का कोण हमारा जो मैग्नेटिक मेरिडियन से उस लाइन पे जो बेयरिंग दिया रहता है, जिस लाइन का हमें टू बेयरिंग ज्ञात करना होता है, वो हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, ठीक है, सॉरी मैग्नेटिक बेयरिंग होता है, तो हमारा 36 अंश 30 मिनट, ठीक है। तो टू मेरिडियन क्या होगा, ठीक है, तो टू बेयरिंग हमारा क्या होगा, टू मेरिडियन से उस रेखा तक हमारा क्या होगा, टू बेयरिंग होगा, यहाँ से यहाँ तक हमारा टू बियरिंग होगा, ठीक है। तो टू बियरिंग के लिए हम टू मेरिडियन प्लस माइनस डिक्लाइनेशन, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा ये होगा 36 अंश 30 मिनट प्लस 6 अंश 15 मिनट, ये हमारा क्या हो गया 42 अंश 15 45 मिनट, ये हमारा आंसर आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक रेखा ए बी का मैग्नेटिक बियरिंग 80 अंश 30 मिनट है, रेखा का टू बियरिंग ज्ञात करें, ठीक है, मैग्नेटिक बियरिंग दिया है, टू बियरिंग ज्ञात करना है, ठीक है, इसमें दो दिया है, चुंबकीय दिक्पात 2 अंश 30 मिनट ईस्ट हो, और चुंबकीय दिक्पात दूसरा है, चुंबकीय दिक्पात 2 अंश 30 मिनट वेस्ट हो, इसमें ईस्ट वेस्ट दोनों दिया है, ठीक है। फार्मूला हम देख लेते हैं, टू बियरिंग बराबर मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लाइनेशन। तो पहले केस में तो हम इसको पहले इसके लगा दें फिगर के बेस में, ठीक है, चलिए हम फिगर बनाते हैं, ये हमारा क्या हो गया,
टू मेरिडियन हो गए, ठीक है। अब डिक्लाइनेशन हमारा ईस्ट है तो कितना होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया हमारा दो अंश 30 मिनट ईस्ट। और मैग्नेटिक बीयरिंग कितना हो गया, मैग्नेटिक बीयरिंग हमारा ए हो गया बी, ए बी का मैग्नेटिक बीयरिंग दिया है 80 अंश 30 मिनट, ठीक है। तो ट्रू बीयरिंग देखिए, ट्रू बीयरिंग कितना होगा, मैग्नेटिक बीयरिंग दिया 80 अंश 30 मिनट प्लस ईस्ट की डिक्लाइनेशन है प्लस होगा 2 अंश 30 मिनट, ठीक है। दो लेते हैं कितना होगा, ये 30 60 एक अंश होगा, 80 2 82 1 83 83 अंश, ये हमारा आंसर आ गया, टू बीयरिंग आ गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो गया, टू बीयरिंग हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा देख लेते हैं, ये पहला था दूसरा, जब हमारा चुंबकीय दिक्पात वेस्ट में है, ठीक है। चलिए यहाँ हम कर, ये हमारा टू मेरिडियन हो गया। अब यहाँ देखिए 2 अंश 30 मिनट वेस्ट में है ना, वेस्ट हमारा इधर है तो वेस्ट हमारा डिक्लाइनेशन इधर हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा 2 अंश 30 मिनट मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। अब हमारा ए बी का मैग्नेटिक बीयरिंग दिया है 80 अंश 30 मिनट, 80 अंश 30 मिनट हमारा इधर ही आएगा, ठीक है। तो हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन से उस रेखा तक का कोण होता है, मैग्नेटिक बीयरिंग होता है, तो हमारा यहाँ तक हो गया 80 अंश 30 मिनट, ठीक है। तुम्हारा टू बीयरिंग ए होगा, तो टू बीयरिंग बराबर क्या होगा, 80 अंश 30 मिनट माइनस 2 अंश 30 मिनट, 30 30 घट गया तो कितना हुआ 78 अंश, ये हमारा टू बीयरिंग आ गया, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत आसान है ये। हमें समझना क्या है, देखिए जो टू मेरिडियन से उस रेखा तक का कोण क्या होता है, टू मेरिडियन होता है, ठीक है। और मैग्नेटिक मेरिडियन से उस रेखा तक का कोण होता है, मैग्नेटिक बीयरिंग होता है। और डिक्लाइनेशन क्या होता है, जो हमारा ईस्ट वेस्ट दिया है 2 अंश 30 मिनट या 2 अंश 60 मिनट, ठीक है। टू मेरिडियन से हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल बनता है वो हमारा डिक्लाइनेशन होता है, ठीक है। अगर सही से समझ के लगाएंगे तो कभी सवाल गलत नहीं होगा। एक सवाल एक्चुअली 5 नंबर पूछा जाता है मैग्नेटिक डिप के बारे में, ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल, ठीक है। अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो लोकल अट्रैक्शन पे रहेगा, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर कोई भी अगर दिक्कत आएगी तो हमें वो करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।